सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 5 मई के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नाटो के चीफ यानी प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनरल टॉड वॉल्टर्स ने। तो अभी हाल ही में अमेरिकी वायुसेना के जनरल टॉड वॉल्टर्स ने नाटो के चीफ के रूप में शपथ ग्रहण की है। अच्छा देखो, आपको याद आ रहा होगा ये अपॉइंटमेंट मैं आपको मार्च में भी बता चुका हूँ जब उनको नियुक्त किया गया था, पर अब इन्होंने पद ग्रहण कर लिया है एज अ नाटो चीफ। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। अच्छा, नाटो की बात हुई है, स्थापना हुई थी नाटो की 1949 में। सबसे इंपॉर्टेंट होगी इसकी फुल फॉर्म, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और नए चीफ कौन बन गए हैं? जनरल टॉड वॉल्टर्स बन गए हैं। अच्छा, नाटो से आपको कुछ याद आया? फरवरी में मैंने आपको बताया था नाटो का 30वां मेंबर, 30th मेंबर कौन बना था? मैसेडोनिया बना था। अच्छा, मैसेडोनिया से कुछ याद आया? मैंने आपको बताया था मैसेडोनिया देश का नाम बदला गया है। अच्छा, नाम बदल करके क्या रखा गया है पता है क्या आपको? कल परसों भी मैंने आपको बताया था, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य, इंग्लिश में बोलेंगे तो रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न मैसेडोनिया। अच्छा देखो, अभी कजाकिस्तान की कैपिटल का भी नाम बदला गया है, पता है क्या है? पहले क्या था? अस्ताना, फिर बदल करके क्या कर दिया? नूर सुल्तान, उनके पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर ही रखा गया है। अच्छा, कल परसों तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडोनेशिया की जो अब कैपिटल है ना, जकार्ता, वो अपनी कैपिटल को चेंज करेगा, बताया था, याद आ रही है चीजें? तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है नाटो के चीफ कौन बन गए हैं? जनरल टॉड वॉल्टर्स बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष यानी कि आर्चरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया है, आपको उनका नाम बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, BVP राव। तो अभी हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन? BVP राव ने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी दिसंबर में तो ये अध्यक्ष बने थे और अब 2-4 महीने में इन्होंने वापस इस्तीफा दे दिया है। किसने? BVP राव ने, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष थे। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? जय श्री व्यास। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहली स्वतंत्र महिला बनी कौन? जय श्री व्यास, ये महिला का नाम है जय श्री व्यास। ऑप्शन सी क्या है? दोरू इसाक। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का टेक्निकल डायरेक्टर, तकनीकी निदेशक बनाया किसे? दोरू इसाक को। और ऑप्शन डी क्या है? के गोविंदराज। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने कौन? के गोविंदराज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में CBDT ने टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, GSTN के साथ। अच्छा, CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, GSTN मतलब गुड सेंस सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं ना, उनको पकड़ने के लिए और ब्लैक मनी को कम करने के लिए CBDT ने GSTN के साथ एक समझौता किया है, जिसमें होगा क्या, ये दोनों आपस में डेटा एक्सचेंज करेंगे। अच्छा, GST के बारे में तो 2-3 दिन पहले मैंने आपको डिटेल में बताया था, आज आप मुझे बताओ CBDT के अध्यक्ष कौन है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जो पुराने बच्चे हैं खासतौर पे उन्हें तो बताना पड़ेगा। मैंने बताया था CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने थे? PC मोदी बने थे। इनसे पहले थे सुशील चंद्रा, जो मार्च में नए चुनाव आयुक्त बन गए थे। तो CBDT के अध्यक्ष की जगह खाली हो गई और CBDT के अध्यक्ष कौन बन गए? PC मोदी, बताया था मैंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी ब्याज दरों, इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट से संलग्न कर दिया है? संलग्न यानी कि लिंक कर दिया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब क्वेश्चन को आप समझो, देखो रेपो रेट पता है ना, रेपो रेट क्या होती है? कई बार मैंने आपको बताया है, जिस रेट पे यानी कि जिस दर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को पैसा देता है, लोन देता है, उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। अच्छा बताओ, अभी कितनी चल रही है रेपो रेट? 6% चल रही है। तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सेविंग अकाउंट्स की जो इंटरेस्ट रेट है ना, उसको इस रेपो रेट से लिंक कर दिया है। कहने का मतलब क्या हुआ, अब जब भी रेपो रेट चेंज होगी RBI की तरफ से, तो आपके जो सेविंग अकाउंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट है ना, वो भी चेंज हो जाएगा। एक्चुअली में क्या है, 1 लाख रुपए से ऊपर तक के जो सेविंग अकाउंट के खाते है ना, और शॉर्ट टर्म लोन जैसे कि ओवरड्राफ्ट वगैरह नहीं हो गया, उनकी जो इंटरेस्ट रेट है उसे लिंक करा गया है रेपो रेट के साथ। किसने किया है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और पूछा जाएगा, मैं कह रहा हूं। तो वन लाइनर याद रखना, किस बैंक ने अपनी ब्याज दरों को रेपो रेट से लिंक कर दिया है, संलग्न कर दिया है? तो SBI ने। अच्छा, बात हुई है SBI की, स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार है। अच्छा, फिर एक प्रश्न का आप मुझे जवाब दो, अभी डोर स्टेप बैंकिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स
किसने शुरू की थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की थी। अच्छा, अभी आपको पता है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही भारत की पहली ग्रीन कार लोन योजना भी शुरू की थी। तो याद रखना, किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की है ग्रीन कार लोन योजना, ऐसे ही पूछा जाएगा। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने ही साइबर सुरक्षा बीमा भी लॉन्च किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यूके हेड, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहां के जो हेड है, कौन? संजीव चड्डा, उनको फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं और अभी वापस से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भूषण पाटिल ने। तो अभी हाल ही में पेटीएम के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन? भूषण पाटिल ने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा देखो, पेटीएम से एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अभी पेटीएम ने व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए आवर्ती भुगतान यानी कि रिकरिंग पेमेंट सर्विस शुरू की है। अच्छा, ये आवर्ती भुगतान यानी कि रिकरिंग पेमेंट मतलब क्या हो गया, कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप जो भी सर्विस ले रहे हैं ना, उसका पेमेंट होता रहेगा इस सर्विस को यूज करने के बाद। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हर महीने के एंड में, यार उसका पेमेंट देना भूल गए कि महीना निकल गया है। जैसे कि केबल वाला हो गया, केबल वाले का आपको हर महीने पेमेंट देना होता है ना, तो आपको बार बार पेमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस रिकरिंग अकाउंट को यूज करके यहां से हर महीने उसके खाते में पेमेंट चला जाएगा। तो यही है रिकरिंग यानी कि आवर्ती का मतलब, कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट उनको चला जाएगा। तो ये सुविधा दी है पेटीएम ने व्यापारियों को। अच्छा, इसकी बात करें, स्थापना कब हुई थी? 2010 को। हेडक्वार्टर नोएडा में है। स्थापना की किसने थी? विजय शेखर शर्मा ने। अच्छा, इसकी पेरेंट कंपनी आपको पता होना चाहिए कौन सी है, 197 कम्युनिकेशन। अच्छा, पेरेंट कंपनी अगर मैं आपसे पूछूं कि गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो फिर क्या आंसर होगा आपका? आंसर होगा अल्फाबेट। अच्छा, इसकी सीईओ कौन है, तो आंसर क्या बोलोगे? रेणु सुबती। तो याद रखना, रेणु सुबती अब इसकी सीईओ नहीं है, 2018 में ये रिटायर्ड हो चुकी है। तो 2018 में इसके नए एमडी सीईओ बने थे कौन? सतीश कुमार गुप्ता। ये पॉइंट पे हमेशा आपको बताता हूँ, ध्यान रखना। अच्छा, तो फिर आप मुझे बताओ, अभी पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा सायरी चहल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में आपका लूंगा। आपको पता है ना, कल एक छोटा सा वीडियो बना करके मैंने आप लोगों को दिया था। वास्तविकता बताऊं, वो वीडियो मैं आपको देना नहीं चाह रहा था, मतलब वीडियो बन गया था, देने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि आपको दूं या न दूं, क्योंकि मेरा मानना था कि आजकल जो लोग होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा क्या है क्या नहीं है, सब अपनी ज़िंदगी में ही लगे रहते हैं बस। लेकिन आप लोगों ने मेरे को गलत साबित कर दिया, इसकी मुझे बड़ी खुशी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों की 17 टेंशन हो सकती है, अभी आप कमाई नहीं करते हो, आपको पढ़ाई करनी है, आपको जॉब चाहिए, आपके सब्जेक्ट्स की टेंशन हो सकता है, घर की भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपने सारी टेंशन को साइड में रख के दूसरे के लिए आपने कदम आके बढ़ाया बिना सोचे समझे। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, कहते हैं ना ग्रेटली हार्टेड पर्सन है आप लोग। मैं ऐसे ही झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आप खुद देख लो, कल का वीडियो 2000 लोगों ने देखा है, लेकिन रिप्लाई केवल आप 200 लोगों की आए। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे अच्छे लोग, और मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों से जुड़ पाया, इतने अच्छे लोगों से जुड़ पाया। आप लोग मेरी एक अच्छी टीम हो, पॉजिटिव टीम हो। और कल आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं पूरे दिन आप लोगों के बारे में सोच रहा था, और बस यही सोच रहा था कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है, और ऐसा करना है जो आप तक आपके लिए किसी ने ना किया हो। आपको ऐसा कुछ दूंगा, अनमोल चीज, जो आज तक आपको किसी ने ना दी हो। मैंने सोच लिया है, क्या सोचा है अभी तो नहीं बता पाऊंगा, करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है। आपके लिए एक छोटा सा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा, फिर अपन उस पर बात करेंगे। अभी बढ़ते हैं हम आगे वाले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के विकास में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5.7%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया डेवलपमेंट आउटलुक 2019 रिपोर्ट जारी की है, और उसमें बताया है कि 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास में यानी कि डेवलपमेंट में 5.7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं उसने कहा है कि 2020 में 5.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है। तो आपको ये याद रखना है, 2019 का तो कितना,
5.7% और 2020 का पूछेगा तो 5.6%। अच्छा देखो, अब ये विकास यानी कि डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी की है, तो इसके बारे में जानते हैं। एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, प्रेसिडेंट कौन है, ताकी की नाकाओ है। अच्छा, एडीबी से आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही भारत की ग्रोथ रेट का भी इसने अनुमान लगाया था। चलो हम रिवाइज करते हैं। देखो, मैंने आपको एक टेबल याद करवाई हुई है, तो उस टेबल से ही हम याद करेंगे। पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के अनुसार, फिर रिजर्व बैंक के अनुसार, फिर एडीबी के अनुसार, फिर आईएमएफ के अनुसार, और अभी हमने लेटेस्ट देखा है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, तो 2019-20 लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2019-20 में भारत की ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, 7.5%। फिर आरबीआई ने लगाया 7.2%, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगाया है 2019-20 में तो 7.2%, और 2020-21 में उसने कहा 7.3% रहेगी भारत की ग्रोथ रेट। आईएमएफ ने बताया 19-20 तो 7.3% और 20-21 7.5%, और लेटेस्ट इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 7.3% बताया है 19-20 में। अच्छा देखो, ये आप टेबल ऐसे ही याद करना, अब नई कोई रेटिंग आएगी तो मैं नीचे जोड़ता जाऊंगा, तो ऊपर वाला हमारा फिक्स रहेगा, तो वो बार बार रिवीजन होगा तो याद हो जाएगा। देखो, मैं चीज़ें बोलता भी हूँ और आपको दिखाता भी हूँ, आपने इतने बड़े हो गए तो सुना होगा। चीज़ें दो तरह से याद होती है, एक तो सुनने से और एक देखने से। तो इफेक्टिव कौन सा होता है, चीज़ों को देखना। देखोगे तो वो पिक्चर धीरे धीरे आपके माइंड में चिपक जाएगी, सेट हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको दोनों चीज़ें करवाता हूँ, बोलता भी हूँ ताकि आप सुनते जाओ, और चीज़ों को लिख के दिखाता भी हूँ ताकि वो पिक्चर धीरे धीरे आपके माइंड में सेट हो जाए। तो देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में गेट्स फाउंडेशन ने भारत में अपने परिचालन के लिए किसे नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संजय उबाले को। तो ये जो संजय उबाले है ना, ये पहले टाटा ग्रुप में सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे थे, पर अब बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भारत में नीति निदेशक यानी कि पॉलिसी डायरेक्टर बन गए हैं। कौन? संजय उबाले। अच्छा, बिल्स गेट फाउंडेशन से आपको कुछ याद आया होगा। चलो आप मुझे बताओ, फॉर्च्यून टॉप 50 लीडर्स यानी कि सबसे महान नेताओं की सूची अभी आई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था टॉप 50 में एकमात्र भारतीय हैं कौन? रियल पैडमैन, याद आया, मतलब अरुणाचलम मुरुगनाथम। और इनको कौन सा रैंक मिला था टॉप 50 में? 45 नंबर पे रखा गया था। और फर्स्ट नंबर पे कौन थे? बिल गेट्स। मैंने आपको बताया था उनकी एक संस्था है, उनका एक फाउंडेशन है, उसके लिए बिल गेट्स को टॉप पे रखा है, और वो संस्था यही है जिसके अब डायरेक्टर कौन बन गए हैं? संजय उबाले। तो चीज़ों को लिंक कर पा रहे हो, मज़ा आ रहा है लिंक करके पढ़ने में। अच्छा, इसे ही कहते वास्तव में लिंक करके पढ़ना। अभी कुछ दिन पहले अपन ने ये पॉइंट पढ़ा था, और आज उनकी संस्था भी आ गई और उसके डायरेक्टर भी बन गए, संजय उबाले। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? स्टेफनी फ्रापट। तो ये फ्रांस की है, और क्या खास बात है इनकी, फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला रेफरी बनी। कौन? स्टेफनी फ्रापट। उसके बाद ऑप्शन सी है, क्लेयर पोलोसा। तो ये पुरुष वनडे में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी। कौन? क्लेयर पोलोसा। ऑप्शन डी क्या है? अजीत कुमार। तो बार्क के प्रमुख बने कौन? अजीत कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के टॉप 50 विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में एकमात्र आईआईटी कौन सा रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी इंदौर। तो एक्चुअल में अभी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, और उसमें टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र आईआईटी बना है आईआईटी इंदौर। अच्छा, आईआईटी इंदौर टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र आईआईटी बना है गुरुजी, पर इसकी रैंक कौन सी है, कौन सी रैंक मिली है इसको? तो आंसर होगा आईआईटी इंदौर को रैंक मिली है 50 ही, मतलब टॉप 50 में शामिल हुआ है, और रैंक भी क्या है इसकी 50 ही है। इसके अलावा आईआईएससी बेंगलुरु को 29 रैंक मिली है, पिछले साल भी इसको 29 रैंक मिली थी। देखो, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्वेश्चन में आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ एकमात्र पढ़ के, गुरुजी आपने तो एकमात्र कहा है, एकमात्र कहाँ है, आईएससी बेंगलुरु भी तो है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वो क्या कह रहा है, एकमात्र आईआईटी, तो आईआईटी तो एकमात्र ही है ना, वो तो आईआईएससी बेंगलुरु है। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग से आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा। अप्रैल में मैंने आपको बताया था एचआरडी मिनिस्ट्री ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ओवरऑल रैंकिंग जारी की थी, जिसमें टॉप पे था आईआईटी मद्रास, सेकेंड नंबर पे था आईआईएससी बेंगलोर, और थर्ड नंबर पे था आईआईटी दिल्ली। तो ये भी आप याद रखना होगा। देखो, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे होंगे ना, तो सारी चीज़ें आपकी
क्लियर होती जा रही होंगी, याद आती जा रही होंगी। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज की संख्या के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बैरूत ने। तो लेबनान की राजधानी है बैरूत, तो बैरूत ने एक शहर में 24 घंटे में फहराए गए राष्ट्रीय ध्वजों की संख्या के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 24 घंटे में टोटल 26,852 लेबनानी झंडे फहराकर यह रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, बात हुई है लेबनान की, तो ये रहा मैप में लेबनान। याद रखना, एशिया कॉन्टिनेंट का देश है लेबनान, कैपिटल बैरूत है ही सही, करेंसी लेबनानी पाउंड है, प्रधानमंत्री कौन है? साद हरीरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, 2018 में भारतीय निवेशकों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लंदन। तो 2018 में भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए लंदन सबसे पसंदीदा शहर रहा है। मतलब क्या हो गया, जो इंडियंस है ना, वो विदेशों में लंदन में सबसे ज्यादा जाकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा देखो, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 2017-18 में हमारे यहाँ पे FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किसका रहा है? मॉरिशस का। सेकेंड नंबर पर सिंगापुर का और थर्ड नंबर पर नीदरलैंड का। मतलब इसका समझ में आ गया ना, मॉरिशस ने सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन के लोग, फॉरेन की कंपनी भारत में आकर के इन्वेस्ट कर रही है। तो मॉरिशस की कंपनी ने, मॉरिशस के लोगों ने सबसे ज्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया। दूसरे नंबर पे सिंगापुर और तीसरे नंबर पे नीदरलैंड। लेकिन याद रखना, ये कब का डाटा है? 2017-18 का, जो मैंने आपको कल बताया था। आज हम क्या बात कर रहे हैं, 2018 के अनुसार भारतीय जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, वो विदेशों में जाकर के कहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो आंसर होगा लंदन में, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे टॉप पे कौन रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो अभी ICC टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें लगातार भारत टॉप पे रहा है, शीर्ष पे रहा है। वहीं अगर बात करें वन डे रैंकिंग की, तो उसमें टॉप पे रहा है इंग्लैंड, भारत दूसरे नंबर पे है। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है, उसमें टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है। वहीं वन डे रैंकिंग में बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे इंग्लैंड है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। अच्छा, ICC की बात हुई है तो इसके बारे में जानो, स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई UAE में है। चेयरपर्सन कौन है? शशांक मनोहर है। अच्छा देखो, रेलवे ग्रुप डी में, अभी जो रेलवे ग्रुप डी हुए थे, वहाँ एक प्रश्न आया था कि ICC के पहले स्वतंत्र अध्यक्ष कौन है, यानी कि ICC के पहले इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन कौन है? तो आंसर यही होगा, शशांक मनोहर। अच्छा, CEO की बात करेंगे तो कौन है? डेव रिचर्डसन। लेकिन याद रखना, नए CEO भी नियुक्त कर दिए गए हैं, मनु सानी। एक्चुअल में क्या है, अभी जो आपके इस साल ICC वर्ल्ड कप 2019 होंगे ना, जो जुलाई में जाकर के खत्म हो जाएंगे, तो जुलाई तक आपके CEO बने रहेंगे डेव रिचर्डसन, उसके बाद ये चले जाएंगे, तो उसके बाद मनु सानी CEO का पद ग्रहण कर लेंगे। अच्छा देखो, ICC वर्ल्ड कप 2019 मैंने बोला, तो आप मुझे बता दो ये होंगे कहाँ पे? तो इंग्लैंड और वेल्स में होंगे। और कौन सा एडिशन होगा पूछूं तो? 12वां एडिशन होगा। अच्छा आप मुझे बताओ 2023 के ICC वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे? तो आंसर होगा इंडिया में होंगे, और ये कौन सा नंबर होगा? 13वां एडिशन होगा। अच्छा आपको पता है ना, अभी ICC ने ओमान और अमेरिका क्रिकेट टीम को ODI टीम का दर्जा दे दिया था, इसका मतलब क्या हो गया, अब वो इंटरनेशनली ODI मैचेस खेल सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में पीटर मेव्यू का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये अभिनेता थे। तो एक ब्रिटिश एक्टर थे ये, आपने मूवी देखी होगी ना स्टार वॉर्स, काफी पार्ट भी आए थे उसके, तो उसमें ये जानवर जैसे करेक्टर इन्होंने ही करा था, च्यूबाका नाम था उस कैरेक्टर का, तो पीटर मेव्यू ने ही उस रोल को करा था, उस कैरेक्टर को फिल्माया था, और अब इनका निधन हो गया है। याद रखना, पीटर मेव्यू एक ब्रिटिश अभिनेता थे। अच्छा, अभिनेता से ही मुझे याद आ रहा है, एक और अभिनेता का भी निधन हो गया है, कन्नड़ फिल्मों के प्रतिष्ठित फिल्म अभिनेता का निधन हो गया। क्या नाम था उनका? मास्टर हिरण्याह। तो याद रखना, ये दोनों प्रश्न एक साथ थे, एक जैसे थे, तो मैंने एक साथ ही करा दिए, कायको में इनको अलग अलग लेकर के फिर क्वेश्चन खराब करता, तो ये दोनों आप याद रख लेना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में हमने पूछा था, हाल ही में कौन सा देश अपनी नई राजधानी बनाएगा? तो सही उत्तर था ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। आप सभी लोगों ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अच्छा, अब हम लोग पजल सॉल्व करें।
अच्छा, तो जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, अभी आपके सामने एक स्लाइड आएगी, उसमें आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कल के पुराने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप वीडियो को पॉज करना, रोकना, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद वीडियो को फिर से ऑन करना, फिर मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। फिर आप देखना जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करें वो सारे सही है या कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। तो ये रहे आपके पजल के क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो। तो उम्मीद करूंगा आपने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। हमारा पहला प्रश्न क्या है, नाटो के चीफ कौन बने? तो जनरल टॉड वॉल्टर्स बने हैं, तो एच वाला सही आंसर होगा इसका, टॉड वॉल्टर्स। अगला क्या है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? पहला स्थान रहा है हमारा, दूसरा न्यूजीलैंड था, जी वाला आंसर है। अगला क्या है, ओडीआई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भैया हमारा, पहला तो इंग्लैंड का था, आई वाला आंसर होगा। अगला क्या है, एशिया टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में आईआईटी कौन सा आईआईटी टॉप 50 में रहा है? तो आईआईटी इंदौर रहा है, 50वीं ही उसकी रैंक है, तो के वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि आईआईएससी बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है, 29 स्थान पर रहा है लगातार दूसरी बार। अगला क्या है, किस बैंक ने ब्याज दरों को रेपो रेट से लिंक कर दिया? तो किसने कर दिया भैया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रैंक रेपो रेट कितनी चल रही है पूछूं तो 6% चल रही है, ठीक है। मैंने आपको दोनों बार बताया था फरवरी और अप्रैल में, जब ये रेपो रेट चेंज हुई थी, द्विमासिक में होती है ना, तो दोनों बार चेंज हुई थी 0.25 से। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेटीएम प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया है, आपको उनका नाम बताना है। तो भूषण, भूषण नाम से कोई है, ये रहा भूषण पाटिल, एल वाला आंसर होगा इसका। अगला है, गेट्स फाउंडेशन इंडिया ने पॉलिसी डायरेक्टर किसे बनाया है? तो ये उपाले को बनाया, संजीव उपाले नाम है, उबाले नाम है, सी वाला आंसर सही होगा। अगला है राजस्थान, अच्छा देखो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इतने ही लिए, अब कुछ पुराने इंपॉर्टेंट पुराने क्वेश्चन ले लेते ताकि उनका भी रिविजन हो जाए। तो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? कल ही पढ़ा था, भट्ट है, भट्ट, रविंदर भट्ट, तो आंसर होना चाहिए इनका ई वाला, रविंदर भट्ट। अगला है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, ये अपन ने परसों ही पढ़ा था, कौन बने हैं? तो पी आर मेनन नाम है, रामचंद्रन मेनन, तो छत्तीसगढ़ का देख लो, जे वाला आंसर होगा, पी आर रामचंद्रन मेनन। अगला है, कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो उभय श्रीनिवास, उभय श्रीनिवास देख लो कहाँ पर है, एफ वाला इसका आंसर हो गया, अभय श्रीनिवास, उभय नहीं, अभय श्रीनिवास। अगला है, 8वीं एशियाई युवा सम्मेलन हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित होगी? अगस्त 2019 में होगी, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। अगला है, यूनाइटेड नेशन ने किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो मसूद अजहर को किया है, और याद रखना इसका संगठन का भी नाम याद रखना, पूछा जा सकता है, जैश ए मोहम्मद। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों के सभी प्रश्न सही होंगे, कहीं गड़बड़ भी हो गई है तो कोई बात नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, उसे सही कर लो और उसे याद कर लो, आगे से वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको होमवर्क के 20 क्वेश्चन दूंगा दो स्लाइड में, आराम से उनको सॉल्व करना, उसके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाओगे ना तो सबसे ऊपर वाला कमेंट ही आपको मिलेगा क्रिक जी के ट्रिक्स का, जिसे मैंने पिन करा हुआ होगा, उसमें आंसर लिख करके पिन करते हैं तो सबसे ऊपर कमेंट आ जाता है, आप लोग पूछते हो ना कहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पे आंसर मिलेंगे। आंसर क्रॉस चेक करना, आंसर आपके सारे सही है तो कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई भी जरूर कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि कौन लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं ना, पहली बार चैनल पे आए हैं, मैं उनसे कहूंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो देख करके थोड़ा सा भी फायदा हुआ है, अगर आपको लगा है कि वाकई वीडियो मेहनत से, दिल से और ईमानदारी से बनाया गया है, तो थोड़ी सी ईमानदारी आप भी दिखा देना, इसे लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर कर देना। आप सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, इस करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू और मजेदार बनाने में मुझे भी मजा आएगा, मैं भी दिल से काम करूंगा। तो ये रहे आपके पहले 10 प्रश्न, ये रहे अगले 10 प्रश्न। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। जो नए लोग हैं आपको इस चैनल से 200% फायदा होगा, लेकिन उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। आप खुद से 2-3 दिन यहाँ पे कंटिन्यू रह करके देखो, 4थे 5वें दिन आप ऑटोमेटिकली कह दोगे कि गुरुजी मजा आ रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिक जी के ट्रिक।